नमस्कार, जी हिंदुस्तान डिजिटल आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। हमारे देश में जहां भगवान गणेश को कोई गणपति, कोई विघ्नहर्ता, कोई बप्पा, कोई विनायक या कोई लंबोदर जैसे नामों से पुकारता है, तो वहीं जापान में बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेते हुए गणेश जी के कई टेम्पल वहां आपको मिल जाएंगे। लेकिन लाइव हिस्ट्री के अनुसार यहां कुल 250 गणेश मंदिर हैं और जापान में तो इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया है, मसलन कांगितेन, शोटेन, गणबाची यानी गणपति और विनायकातेन यानी विनायक। इनमें गणेश जी का कांगितेन नाम कई रूपों में पूजा जाता रहा है और जिनमें इनका दो शरीर वाला स्वरूप देखा गया है। सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है स्वरूप जापान में। कांगितेन को मानने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल उनके इस स्वरूप को एक शक्तिशाली भगवान के तौर पर देखा जाता था और इनकी पूजा भी एक खास तरीके से शुद्ध रहते हुए तंत्र मंत्र के सहारे होती थी। धर्म से जुड़े कई विद्वान हैं जो इस विषय पर रिसर्च करते आए हैं और उन लोगों का ये मानना है कि 8वीं सदी के दौरान जापान में पहली बार गणेश जी को माना जाने लगा। यहाँ दरअसल बौद्ध धर्म में एक ऐसी शाखा है जिसके अनुयायी बुद्धिज्म पर यकीन करते हुए तांत्रिक शक्तियों की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे कि जापान में कैसे अपने गणपति को पूजा जाता है और यहाँ गणपति आखिर पहुँचे कैसे, तो बताते हैं कि उड़ीसा में बुद्ध को मानने वालों कुछ तांत्रिकों की चीनी व्यापारियों और सैलानियों से मुलाकात हुई, जिसके बाद मंत्र बुद्धिज्म चीन तक ही पहुँचा। कुछ सालों बाद एक जापानी रिसर्चर कुकई पहुँचा जो बौद्ध धर्म की इस नई शाखा को जानना और करीब से उसे समझना चाहता था। इसके लिए वो चीन में लगभग 10 साल तक रहा भी और फिर उसके बाद कुकई वापस अपने देश यानी जापान लौट गया, जिसके बाद से ही जापान में तंत्र बुद्धिज्म की नींव पड़ी। और बताते हैं कि इसका जिक्र क्लासिकल गोल्डन एज यानी 794 से 1185 सीई के दौरान के बीच तांत्रिक बुद्धिज्म में गणेश जी को एक स्त्री हाथी से लिपटा हुआ दिखाया जाता है। दरअसल इसे शक्ति कहा जाता है। ये स्वरूप पुरुष और स्त्री के मेल से पैदा हुई ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। हालांकि कुछ कामुक लगने के कारण गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर मंदिर में सामने नहीं रखी जाती है और इसकी लकड़ी के सजे हुए बक्से में इसको रोज पूजा जाता है। केवल किसी खास मौके पर ही मूर्ति बाहर निकाली जाती है श्रद्धालुओं के लिए और उनकी पूजा सभी के सामने की जाती है। तो दिलचस्प बात यह है कि भारत के गणेश से जापानी कांगितेन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है और इससे भी मुश्किलें दूर करने वाला भगवान माना जाता है, जैसे कि हमारे देश में माना जाता है। और इसे शुरू करने से पहले तांत्रिक बौद्ध इसकी पूजा करते हैं। जापान के व्यापारी भी इस गणेश की काफ़ी पूजा करते हैं। कहते हैं कि इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु काफ़ी दान दक्षिणा भी करते आए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जापानी मुद्रा और आभूषण शामिल हैं। तो जापानी बप्पा के इस खास स्वरूप को लेकर अगर आपकी कुछ राय है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बाकी खबरों के लिए आप हमेशा की तरह जुड़े रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल के साथ।